अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ जो हो रही है उसके हवाले से। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया ने दूसरा टेस्ट जीत लिया और सीरीज़ को अपने नाम तो खैर नहीं किया, लेकिन दूसरा टेस्ट जो है अपने नाम से ज़रूर कर लिया है और सीरीज़ को एक एक से बराबर कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला मैच इंग्लैंड की टीम जीते थी और इंग्लैंड की टीम में ये रूट ने जैसे परफॉर्म किया था, लग रहा था कि ये सीरीज़ जो सी है बासानी इंग्लैंड ये जीत जाएगी, लेकिन दूसरे मैच में जो है कम बैक किया इंडिया ने। और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने पहली इनिंग में 61 रन बनाए और अपनी टीम को जितवाने में एक अहम किरदार अदा किया। और दूसरी और इसके अलावा बॉलिंग में आप देखा जाए तो जो से अश्विन उन्होंने 5 विकेटें ली थी और इंग्लैंड की कोई खिलाड़ी भी 50 स्कोर तक भी नहीं कर सका था, क्योंकि इंडिया की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई थी। और अब जब फिर इंडिया की बारी आई तो विराट कोहली कैप्टन ने जिम्मेदारी ली और 50 स्कोर की, और लेकिन इसके बावजूद ऐसे लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार सकता है, लेकिन आखिर में फिर अश्विन ने एक सेंचुरी स्कोर की और अपनी टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। और इसी तरह अश्विन ने पटेल ने दूसरी इनिंग में 5 विकेटें ली और अश्विन ने 3 विकेटें ली, और इसी तरह अश्विन इस मैच में अहम किरदार की दिखाने में कामयाब हुए, क्योंकि इन्होंने 8 विकेट लिए और 1 सेंचुरी स्कोर की और इंडिया को जीत से हमकनार किया। और इसी तरह इंडिया की टीम जो सी है वो दूसरा टेस्ट जीत चुकी है और सीरीज़ एक एक से बराबर हो गई और नेक्स्ट मैच 14 फरवरी को होगा। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच में भी इंडिया बेहतर परफॉर्म करेगी और सीरीज़ को अपने नाम करेगी और ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। और आज की वीडियो के लिए इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।